आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस नए साल में कुछ नया ट्राई करते हैं। आपने बेसन का ढोकला तो बहुत खाया होगा, लेकिन आज मैं आप सभी के लिए मटर की टेस्टी ढोकला लेकर आई हूँ। इस नए साल में कुछ नया हो जाए तो आप सभी को फिर से नए साल की ढेर सारी बधाइयाँ। तो चलती हूँ मैं मटर की ढोकला बनाने के लिए। तो मैं एक कटोरी मटर को ले ली हूँ, मैं इसे अच्छे से साफ कर ली हूँ। मटर को मैं मिक्सर में डाल के इसमें ग्राइंड कर लेती हूँ। अदरक लहसुन हरा मिर्च और धनिया पत्ता को मैं छोटे छोटे से काट कर मैं ले ली हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी को डाल देती हूँ। आप थोड़ा सा पानी को डाल के इसे अच्छे से ग्राइंड कर ले। अब मटर की ढोकला बनाएंगे तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। मटर को मैं अच्छे से इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं ना ये कितना हरा हरा है, ये खाने में टेस्टी लगेगी, ये देखने में भी उतना ही खूबसूरत है। मैं बड़े कटोरे में सारे बैटर को मैं डाल लेती हूँ। जिस कटोरे से आप मटर को लिए हैं उसी कटोरे से मैं एक कटोरी सूजी को मैं ले ली। सूजी चाहे तो आप इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं, मैं ग्राइंड नहीं की हूँ, इसी तरह से सूजी को मैं ले ली हूँ। इसमें मैं स्वाद अनुसार नमक को डाल दी हूँ। इसमें धीरे धीरे पानी डाल के आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें। आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें और इसमें एक बार पानी को ना डालें, इसे ज़्यादा पतला ना बनाए और इसे अच्छे से चम्मच से इसे मिला लें। आप इसे अच्छे से मिलाएंगे तो ये अच्छी तरह से ये फूली फूली बनकर तैयार होगा। अब मैं बैटर को बना कर रख ली हूँ। अब मैं इसे ढककर आधे घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। सूजी को मैं फूलने के लिए छोड़ दी हूँ। कढ़ाई को मैं गैस पे चढ़ा ली हूँ। इसमें मैं पानी को डाल देती हूँ। आप 2 से 3 गिलास इसमें पानी को डाल दें, ऐसे पूरी तरह से खौलने दें। अब मैं इसमें इनो को डाल देती हूँ। इनो को डाल के इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें और इसे अच्छे से मिला लें। आप इनो को डाल के इसे ज़्यादा देर तक ना रखें और इसे तुरंत ही एक बर्तन में रखकर इसे गैस पे चढ़ा दें। मैं यहाँ पे 3 छोटे छोटे कटोरों को ले ली हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा सरसों ऑयल लगा देती हूँ। उंगली से मैं चारों तरफ इसे फैला देती हूँ। अब कटोरे में अच्छे से इसे फैला लें। इससे हमारा सूजी जो है ये चिपकेगा नहीं, आसानी से ये निकल जाएगा। अब मैं कटोरे में चम्मच से सारे सूजी को बैटर जो है इसमें मैं डाल देती हूँ। आप इसे अच्छे से इसमें डाल दें और हल्का थपथपा दें कि अच्छे से ये सेट हो जाए। इधर हमारी पानी जो है उबल रही है, इसमें मैं एक प्लेट को रख देती हूँ। प्लेट को मैं पलटा के इसे रख दी हूँ। इस पर मैं 3 कटोरी को डाल देती हूँ। इसे 3 कटोरी को डाल के इसे धीमे आंच पे 15-20 मिनट के लिए इसे छोड़ दे ढककर। मैं इसे एक बड़े बर्तन से इसे अच्छे से ढक दी हूँ। ऐसे 15-20 मिनट के लिए मैं इसे पकने देती हूँ। अब मैं चेक कर लेती हूँ कि हमारा ढोकला बनकर तैयार हुआ है नहीं। मैं चाकू से इसे आप चेक कर सकते। जब ढोकला पूरी तरह से पक जाएगा तो ये चाकू में चिपकेगा नहीं। ये हमारा चाकू में चिपक नहीं रहा, हमारा ढोकला बनकर तैयार है। इधर मैं चने दाल की चटनी को मैं तैयार कर लेती हूँ। तवे को मैं गर्म कर ली हूँ। इसमें मैं चने दाल को डाल दी। ऐसे मैं अच्छे से इसे भून लेती हूँ। चने दाल की चटनी जो है ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और इसे आप ढोकला में खाएं तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में। आप चने दाल को अच्छे से इसे भून लें। अच्छे से चने दाल नहीं भुनाएगा तो ये टेस्टी चटनी बनकर नहीं तैयार होगा। अब मैं इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च को मैं इसे ले ली हूँ। इसको भी मैं थोड़ा सा इसे पका लेती हूँ। ऐसे मैं मिक्सी में डाल के इसे भून लेती हूँ। मैं चने को पका ली हूँ, मैं मिक्सी में डाल देती हूँ। सारे चने दाल को मैं डाल दी हूँ। इसमें मैं स्वाद अनुसार नमक को डाल देती हूँ और थोड़ा सा मैं पानी को डाल देती हूँ। आप इसमें ज़्यादा पानी को
ना डालें, इससे हमारा चटनी जो है अच्छी तरह से पिसाएगा नहीं। ऐसे मैं डाल के इसे पीस ली हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा सा कच्चा सरसों तेल को डाल देती हूँ, इससे हमारा चटनी जो है खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इधर हमारा ढोकला बनकर तैयार है। अब मैं इसे चाकू से चारों किनारों को मैं छुरा लेती हूँ। इसे आप अच्छे से इसे छुरा लें या इसे भी आसानी से ये निकल जाएगा। अब मैं एक प्लेट में इसे पलट लेती हूँ। ये देख रहे हैं ना कितना आसानी से ये निकल गया है और ये स्पंजी बनकर तैयार हुआ है। ये जालीदार देखने में लग रहा है। मैं सारे ढोकला को इसे पलट ली हूँ। देखने में लग रही है ना हमारी ढोकला कितना टेस्टी है और खाने में उतना ही स्वादिष्ट है। ये बहुत ही जालीदार ढोकला बनकर तैयार हुआ है। ये स्पंजी भी है। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो ये देखने में लग रही है ना जालीदार और ये स्पंजी, ये खाने में उतना ही स्वादिष्ट है। आप ढोकला और चटनी उठाइए और खा लीजिए। हमारी नई रेसिपी को देखने के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल शान किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के दबाना भी ना भूलें। मैं मिलती हूँ कल नई रेसिपी में, तब तक के लिए धन्यवाद।